नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर नुक्कड़ नाटक से लिया वोटिंग के लिए प्रेरित। शहर के काला आम चौराहे पर नुक्कड़ नाटक की मदद से स्टूडेंट ऑफ कलाकारों ने किया लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक। गांव में लिखे जा रहे हैं स्लोगन, शहर और कस्बों में होर्डिंग से भी किया जा रहा था वोटिंग के लिए वोटर को जागरूक। चुनाव आयोग के वोटिंग के प्रति जागरूकता के लिए सेलिब्रिटी की भी ली जा रही है मदद। पीएससी बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। सर, आमतौर में ये देखा जाता है कि उपचुनाव में मतगणना कम होती है, आगे का उसका कारण क्या रहता है? प्रशासन क्या इसमें आप काम कर रहा है? देखिए, 3 नवंबर को हमारे यहाँ उपचुनाव है। कोविड के कारण भी लोग घर से बाहर निकलने से कतराते हैं, इसलिए हम लोगों ने मतदाता अवेयरनेस प्रोग्राम, मतदाता जागरूकता प्रोग्राम जोर शोर से चलाया जा रहा है। घर घर में जाके, एक एक घर घर में जाके हमारे ये सूप का दल है, वो घर घर में जाके लोगों से मोबाइल नंबर भी कलेक्ट कर रहे हैं और जागरूकता भी कर रहे हैं। इसके अलावा गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में आप देखेंगे कि स्लोगन लिखा जा रहा है, पेंटिंग की प्रतियोगिता हो रही है। अभी हम लोग काले आम चौराहे पे कर रहे हैं, वहाँ पे नुक्कड़ नाटक हो रहा है। आप देखेंगे कि चौराहों पे बड़े बड़े बैनर भी लगने शुरू हो गए हैं, लगेंगे, और हम लोग कुछ जो फेमस लोग हैं, फेमस सिंगर हो या एक्टर हो, उनके माध्यम से भी अपील करवा रहे हैं। तो जिला प्रशासन की कोशिश है कि जितने भी माध्यम हो, सब माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए और उन्हें वोट डालने के लिए उत्साहित किया जाए। वोट के दिन हम लोग कोविड से बचाने के लिए स्पेशल जो प्रिकॉशन जितने भी निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए हैं, वो सारा हम लोग उस प्रिकॉशन लिया जाएगा। ठीक है।